सभी को मेरा राम राम। आज मैं आपको 8th क्लास में साइंस का जो सिलेबस है, जो आपका हटा दिया सिलेबस है, उस सिलेबस के बारे में बताऊंगा। तो अपनी बुक पे आप निशान लगा सकते हैं, जैसे 8th क्लास में आपका यूनिट 1 जो है उसमें चैप्टर 1 ये पेज नंबर 10 और 12 के बीच में है, 10 से 12 के बीच में है, ये जो आपका चैप्टर है ये हटा दिया, डिलीट कर दिया गया है। और अगला आपका चैप्टर है यूनिट 1 का ही है, ये है चैप्टर नंबर 2, ये है पेज नंबर 27 पर। तो इसको आपने अब हटा देना है, काट देना है अपने बुक से, मतलब इसमें निशान लगा दे सकते हैं आप, ये आपने अब याद नहीं करना है। अगली आपकी यूनिट 2 है, इसमें चैप्टर नंबर 3 और 4 ये दोनों हटा दिए, तो चैप्टर नंबर जो 3 है ये है 33 से 36 के बीच में पेज नंबर पर, और चैप्टर 4 है ये है 46 से 51 के बीच में। तो ये जो चैप्टर है ये दोनों आपने यूनिट 2 से अब याद नहीं करने हैं, इनको आपने काट देना है। अगली यूनिट 3 है, इसमें चैप्टर नंबर 7, 8, 9 और 10, तो ये आपके जो चैप्टर नंबर 7 है ये है 80 और 81 के बीच में जितना भी इसका सिलेबस है ये सिलेबस इसका हटा दिया है। और चैप्टर नंबर 8 जो है इसमें 91 से 93 के बीच में, 91 से 93 के बीच में जितना भी सिलेबस है ये भी हटा दिया है। चैप्टर नंबर 9 है, इसका 107 और 108 के बीच में जितना भी सिलेबस है वो हटा दिया, डिलीट कर दिया गया है। और चैप्टर नंबर 10 इसमें आपका 120 पेज पर जितना सिलेबस है वो सिलेबस भी आपका हटा दिया है। अगली यूनिट हमारी है 4, यूनिट नंबर 4 है, इसमें चैप्टर नंबर 11, 12 और 13 ये तीनों चैप्टर इसमें हटा दिए। तो 11 नंबर पे जितना भी 138 से 141 के बीच में जितना सिलेबस है वो सारा सिलेबस आपका हटा दिया है। चैप्टर नंबर 12 जो है इसमें 153 पे जितना सिलेबस है वो सिलेबस आपका हटा दिया है बोर्ड ने। चैप्टर नंबर 13 जो है उसमें है 163 से 66 के बीच में जितना भी सिलेबस आपका इसमें है वो सारा सिलेबस आपका हटा दिया है बोर्ड ने। अब ये आपकी बोर्ड का जो एग्ज़ाम होगा उसमें नहीं आएगा। यूनिट 5 जो है 5 यूनिट में चैप्टर 6 ये है पेज नंबर 69 और 70 के बीच में है, तो ये जो चैप्टर है ये भी आपका हटा दिया है। यूनिट 5 में ये है चैप्टर नंबर 14 जो चैप्टर है 176 से 77 के बीच में, मतलब 172 से 77 के बीच में जितना भी चैप्टर 4 का लेसन है आपका इसमें सब कुछ जो है इन्होंने हटा दिया है बोर्ड ने। अगली यूनिट आपकी है 6, इसमें चैप्टर 15, 16 और 17 ये तीन चैप्टर इसे हटाया है। तो चैप्टर 15 में जो सिलेबस आपका 184 से 188 के बीच में है वो सिलेबस आपका सारा हटा दिया है। चैप्टर 16 में जो 202 से 205 के बीच में जितना सिलेबस है वो आपका सारा हटा दिया है। और चैप्टर 17 जो है उसमें 216 से 221 के बीच में जितना सिलेबस है ये भी आपका सारा डिलीट कर दिया गया है। अगली यूनिट आपकी है 7, इसमें चैप्टर नंबर 18 जो है ये है आपका 242 से 245 के बीच में, तो जितना भी सिलेबस इसके बीच में इनका आता है ये सारा सिलेबस बोर्ड ने हटा दिया है। तो अब आपने जो है इतना सिलेबस आपने लर्न करना है जो इसके अलावा बचता है। ये आपकी सारी यूनिटें हैं, इन सभी यूनिटों में जितना भी सिलेबस मैंने आपको भी बताया है ये हटा दिया, जो बाकी आपका सिलेबस बचता है वो आपने याद करना है, लर्न करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल ड्राइंग।